कैंडिडेट शिक्षक भर्ती में पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद शुक्रवार को यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर आयोग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी और उग्र प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया है। लगभग 4 घंटे तक आयोग के दफ्तर के सामने प्रतियोगी छात्रों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। इस बीच प्रतियोगी छात्रों से बातचीत करने पहुंचे अफसरों ने प्रतियोगी छात्रों से कई राउंड बातचीत की, लेकिन प्रतियोगी छात्रों की ओर से नेतृत्व की समस्या के चलते बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के निर्देश पर आयोग की ओर बढ़ रहे प्रतियोगी छात्रों पर पुलिस ने हल्का बलगम प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा। इस दौरान पुलिस और RAF ने लाठियां भांजी और प्रतियोगी छात्रों को दौड़ाकर भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है। देखिए समक्ष प्रतियोगी छात्रों ने और उनके कई संगठनों ने आकर के यहाँ एक प्रोटेस्ट किया था, और अभी गत दिनों में जो लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कार्रवाई हुई है उसको लेकर के ये लोग एकजुट हुए थे। इनकी मांगे हैं, कुछ मांगे ऐसी थी जो परीक्षाओं के स्थगित करने के बारे में और चीजों के बारे में उनका एक ज्ञापन मिला भी है, उस ज्ञापन को माननीय आयोग के समक्ष दे दिया गया है। छात्रों का कहना था कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय स्वयं सड़क पर आकर के बात करें, जो संभव नहीं है। वो एक संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। छात्रों को समझाया बुझाया गया और इनकी जो भीड़ है उसको विध घोषित करके जाने को कहा गया, जिस पर छात्रों ने अपना सड़क खाली कर दिया और यहाँ से चले गए हैं। वर्तमान में शांति है, किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल।